अच्छी। आप क्या करते हो? झाड़ू बनाते हैं। झाड़ू बनाते हो? आप राहुल गांधी से क्यों मिलना चाहते हो? हम भी मिलने के शौक के, हम मेरे भी घर बार के लिए हम भी सोचते हैं। इसे हमारे पास घर बार नहीं है ना, कुछ सोचना दो, हम भी कुछ पानी या कुछ भी हमको रहने जगह ये चाहिए। हम भी इतनी छोटी छोटी झुग्गी में खड़े ठंड के दिन में किसके लिए हम कह रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे इतना ना, मेरे कोई रहने का झूपड़ा नहीं है बाबू जी, नी जगह है नी जमीन है, ये इतना है। कुछ और पैसे भी बहुत माते हो रहा है, कर्जा बहुत हो रहा है, किसी का आवेशन कराया है, किसी का कोई भर्ती कर रखा है, किसी के लिए गरीब लोग इधर पड़ा है, हमारे माते बहुत खर्चा हो गया है ना। मेरे को घर पे जाएंगे क्या खाएंगे? वो खाने का नहीं है, खाने पीने का नहीं है। हमारे को कोई छोटा मोटा झूपड़ा जमीन दे देगा तो हम भी झूपड़ा बना के रहते हैं। हमारी जगह यही दिला दो, हम यही घर बांध देंगे। मोदी जी दुनिया को लूट के खाते हैं। मोदी जी ने आपके लिए कुछ नहीं किया? पूरी जनता ही त्रस्त है न, तो इन्होंने व्यापारी को छोड़ा, छोटे नहीं कर्मचारियों को छोड़ा, और सबसे बड़ी एक हमारे देश में एक मेहनत कश किसान है और उनको भी नहीं छोड़ा इन्होंने। तो इससे इस यात्रा से ना लोगों को दिख रहा है, लोगों को इस चीज़ का एक आस दिख रही है। आप देखो कितनी भीड़ जो लोग आ रहे हैं इतनी सर्दी में ना, तो वो तो लगता ही है पूरा, ये तो बहुत बहुत फर्क होगा। इस सर्दी में लोग निकलना नहीं चाहते, फिर भी लोग निकल रहे हैं क्योंकि उस दुख के कारण निकल रहे हैं। वो इतनी दुखी कर दी, हर वर्ग, एक मजदूर आदमी वो भी दुखी है, एक हमारे हिंदुस्तान के सारे ही थोड़ी एम्प्लॉई, सारे बिजनेसमैन थोड़ी हैं, सबसे ज़्यादा तबका तो गरीब तबका यही किसानी है। कोई अपनी छोटी मोटी भाई कोई रेडी लगाता है, कुछ कुछ करता है, लेकिन किसी आदमी के पास काम नहीं है। आप कहीं किसी को भी पूछो, सब बेरोजगारी दिखेंगे। देखिए यात्रा अभी पंजाब में जाने वाली है। हाँ जी, पंजाब में कांग्रेस शिकस्त हो चुकी है। हाँ जी, क्या लगता है आपको रिएक्शन क्या होगा? जी फुल होगा। आपने देखा होगा हरियाणा से जब स्टार्टिंग एंट्री हुई, आप सुबह सुबह आप शायद वहाँ होंगे, आप सुबह 6 बजे देखा हो, इतना कोहरा और इतनी ठंड और इतनी पब्लिक, रैली सभी करते हैं, लोग आते हैं लेकिन बिना बुलावा। वो तो एक एंट्री थी, कोई रैली नहीं थी, लेकिन कितना बड़ी रैली होगी थी वहाँ। और फिर उसके बाद जो पद यात्रा चल रही, देखो कितनी सर्दी में लोग कितने बढ़ते जा रहे हैं। When the yatra started as a spokesperson, since I was on the debates nationally, what one heard was that, you know, he's a part-time politician. The lakhs of crores of rupees they had put into tarnishing Rahul Gandhi's image, the only voice of opposition in the truest sense, the one that raised questions on Pegasus, the one that raised questions on Indochina borders, the one that raised questions on the inflation, the rates of unemployment, unprecedented rates of unemployment, you know, all relevant questions that were actually snubbed and shooed away by the BJP, by deviation that they've done, and the capture of the media. India is about unity and diversity, you know, we the people of India is the strongest narrative that we could have ever had, and we gave it to ourselves in 1949. This is the only narrative today that can really condemn the Hindutva narrative, the false narrative of Hindutva that the BJP is bringing to the political discourse, which has taken us back by decades. How do you feel your response in Punjab is going to be, seeing that you're at the border of Punjab right now? And you know, the Congress did get voted out in Punjab. How do you see the response from the people? I see tremendously overwhelming response coming forth. We may have been voted out thanks to the A and B team, Bhajpa and Aam Aadmi Party, you know, but it is only the flip side of the coin in politics. That's how it goes. It's good to be defeated so that you have time to introspect and see where we have gone wrong. In fact, I would have to say that when the Kisan Andolan started in 2020, the BJP's strongest, I would say, argument for it was, ये तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा सपोर्ट किए गए चंद किसान हैं, मुट्ठी भर किसान हैं. Then they called them terrorists. Then they called them anti-nationals. What not? But Rahul Gandhi was not deterred. That
I'm very sure gave strength to the farmers. And back then, Captain Amrinder Singh was ruling that state. And everybody knows how BJP does horse trading, how they blackmail leaders to come into their own party. We don't know what all they are doing with Pegasus. Pegasus se unhone ek former Chief Justice of India ko control kar liya. Justice Gogoi, actually, who came out and spoke, was one of the four judges who spoke against the BJP in an unprecedented press conference. He ends up being a Rajya Sabha MP with BJP support, and how he was silenced. So similarly, Captain Amrinder Singh was taken away by them. Later, he said, I don't know what I'll do politically. Later, he joins BJP. What Ghulam Nabi Azad ji has done today. So Yatra has been, you see, from Kanyakumari. We started with 120 Yatris. Today, we are running in numbers somewhere in lakhs. And crores out there are watching us. कहते हैं कि भारत को अगर समझना है, चलते हुए देखो तो समझ सकते हैं। मोदी जी के लिए कोई संदेश है आपके पास? मैं देखिए, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, दिल से दिल को जोड़िए। भारत एक ऐतिहासिक स्थल है, इसमें हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, अलग अलग संगठन हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इतना अच्छा संविधान है, तो संविधान को बचाना है। पंजाब में सर जो हमारे दोस्त बने किसान आंदोलन के टाइम, जो बड़े भाइयों से हम मिले हैं, छोटे भाई, आज जब उनसे बात करते हैं ना, तो वो कहते हैं हमने आप पार्टी को जो वोट दिए थे वो दिल्ली की तर्ज पे काम करवाने के लिए दिए थे, लेकिन ये तो अपने काम नहीं कर पा रहे हैं, अपने झगड़े नहीं सुलटा पा रहे हैं, इन्होंने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। ये पर्सनली बोलते हैं हमें जब बात करते हैं। और जब यात्रा पंजाब से होके गुजरेगी तो एक लहर उठेगी, सुनामी में बदलेगी और सब कुछ बदलता हुआ चला जाएगा। प्रधानमंत्री अगर कोई 5 कदम भी चल लेता है पूरे दिन में, पूरे 24 घंटे मीडिया, भारत का मीडिया उसी को दिखाता है। और राहुल गांधी को करीब 3000 से ऊपर किलोमीटर चल लिए हैं, 4 महीने के करीब हो चुके हैं, उसको मीडिया बिल्कुल नहीं दिखा रहा। हर एक वर्ग, कर्मचारी है, व्यापारी है, गरीब है, मजदूर है, किसान है, तराई तराई मची हुई है, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, उससे पूरी तरह आम जन परेशान है। 2024 में केंद्र सरकार में भी बदलाव होगा और हरियाणा राज्य सरकार में भी बदलाव होगा।